Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट. सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में आपके पर्सन जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है एंड आगे जाके भी क्या होने वाला है. तो आपको जानने का पूरा अधिकार है कि क्या है उनके दिमाग पर. ऑलराइट, सो लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में, ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है जिनके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करें. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिए, सिर्फ उनके बारे में सोचिए जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं. हो सकता है कि आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं. सो पर्टिकुलरली उस पर्सन के बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा. So we do have the Malika of Staff. यहाँ पे है वाओ, Shah of Staff. This is the Queen of Wands and this is the King of Wands. यहाँ पे है Five of Staff. We do have Charke Falak. We do have the Peer. We do have Nine of Coins. And bottom of the deck हमारे पास है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अल्केमिस्ट, और उसके नीचे है थ्री ऑफ कॉइन्स. ठीक है, हम तीन कार्ड को लेंगे. सो यहाँ पे है, आई होप यू कैन सी देम, एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस साइंस है. ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जहाँ पे टॉरस एंड वर्गो इज इम्पॉर्टेंट. ओके, एज वेल एज 3 3 9 1 5 और वेरी इंपॉर्टेंट, सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है. जेमिनी इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अगर कोई साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब वेरीफाई करेंगे तब तो हम देख ही लेंगे. आई होप यू कैन सी इट. तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देती हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे सही से. अच्छा, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आगे भी क्या करेंगे. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा आजकल आप अपने करियर के बारे में, इवन यू आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. मतलब क्या है, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे तो आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इधर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या हायर स्टडीज़ आप करना चाहते हो, इसलिए आपने ब्रेक ले लिया है करियर से, मतलब जॉब से आपने ब्रेक लिया हुआ है. या आप अगर घर में हैं तो हो सकता है घर से बैठकर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं. ठीक है, आप पहले से ज़्यादा बहुत ही अपना माइंड जो है वो चेंज कर चुके हैं. ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ना जाने कि उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अभी हेल्दी नहीं है. जैसे बहुत ज़्यादा डिबेट्स, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स कुछ बात को लेकर शुरू हो जाता है आप दोनों में. आप उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो और वो आपका डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते. आपका डिमांड इसी तरह से अगर चलता रहा तो शायद वो आपके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा दुखी तो वो ही होंगे. ये इंसान को ऐसा लगता है कि शायद इन द फ्यूचर जो लोग नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे हैं, खास करके उनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि हाँ उन्होंने आपको दर्द दिया है, चोट दिया है, लेकिन आजकल आप जो कर रहे हो ये भी उनके जो है ना, इनको बहुत असर कर रहा है. उनके इमोशनल स्टेट इज़ गेटिंग टू मच अफेक्टेड ड्यू टू योर बिहेवियर एंड ड्यू टू योर कैजुअल एटीट्यूड. उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर आपके साथ कुछ समय तक बात भी करेंगे ना तो फिर से आप वापस घूम फिर के अपने काम पे ही आ जाओगे.
कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, और आप अपने धुन में ही रहेंगे। कुछ लोग आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि किस्मत ही, मतलब उनको उनको ऐसा लगता है कि उनके किस्मत में ही खोट है, कि उनको ना आप जैसा इंसान नहीं मिल रहा है। अगर आप उनसे काफ़ी दूर चले गए हैं तभी भी, अगर उनके पास है तभी भी, वो इनसिक्योर हो रहे हैं, और जितना अंदर ही उनको क्या है ना, ये सिचुएशन उनको अपने गिरेबान पर झांकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उतना ही वो इंसान जो है उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती तो किया है, अभी मेरा काम है इस रिलेशनशिप को जोड़ना। डिज़ाइन अच्छा था दोनों का, कनेक्शन में दोनों अच्छे से ही चल रहे थे, बट ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ, या तीसरा इंसान आके या कोई तीसरा इंटरफेयर ऐसा किया कि जो भी सही जगह पे टाइल्स होना चाहिए था अभी जंबल हो गया। अभी ठीक ये दोनों ही करेंगे और ये तीसरा हट जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप का कुछ तो ऐसा निकाल सकते हैं ना, रिजोल्यूशन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ यू कैन से द फाइनल डिसीजन। लाइक वो आपके राय जानना चाहते हैं, अगर ये आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे हैं तो ये चाहते हैं कि आपको अनब्लॉक करें, और आपके बारे में सोचते सोचते इवन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अगर आपके साथ अच्छा कनेक्शन में ही है तो इन्होंने ना आपको याद रखते हुए बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं, ठीक है, भले अच्छे ना हो, सुनाए अच्छा ना देता हो, लेकिन लिखे ज़रूर है। इंसान शेर व शायरी का शौकीन है, और आपको ऐसा लगता है सिर्फ शेर व शायरी का शौकीन ही नहीं है, ये इंसान रंगीन मिजाज के भी है, इसीलिए उनके साथ ऐसा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जुड़ पाया, अदरवाइज तो ये हो नहीं पाता, और आप कतई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई और हो आपके सिवा, और ये मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी उनका कोई रिलेशनशिप हो, यहाँ पे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस था जब आप लोग उनको मिले थे, और बीच में भी अगर हुआ होगा तो भी ये इंसान ना आपसे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कोई और जगह पे उनकी शादी हो सकती है जहाँ पे उनको ढेर सारा पैसा मिल सकता है, या उनके खानदान में शादी करने के बाद शायद वो सेटल भी हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक ऑब्वियसली ये दिख रहा है लाइक उनका कोई ऐसी जगह पे शादी फिक्स हो गया या एंगेजमेंट हो गया होगा, कि जहाँ पे, अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने धोखा आपको क्यों दिया या उनके दिमाग पे क्या चल रहा है। कुछ लोग मुझे पूछ मतलब लिखते हैं ना कि मैम मेरे पर्सन का एंगेजमेंट हो चुका है, हाँ तो उनके दिमाग में यही चल रहा है अगर है तो, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रडिक्शन, सबके लिए अलग अलग ही होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि पैसा आ जाए, पैसा हो जाए तो वहाँ पे मैं हाँ कर दूँ, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रिलेशनशिप, सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, दे आर नॉट एबल टू डू सो। इनको ऐसा लग भी रहा है कि मैं करूँ, ठीक है, पैसा उनके लिए बहुत बड़ा अहमियत रखता है जो आप शायद नहीं जानते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरी वंस पार्टनर ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा भी लगा था कि शादी वादी कर लेंगे, फॉरेन जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, अच्छा खासा गाड़ी है, बंगला है, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, सो दे थॉट ऑफ लिविंग यू फॉर दिस काइंड ऑफ रीजन्स। अ थर्ड पार्टी वॉज देयर ग्रीड, जेलसी, ठीक है, यू कैन से लाइक सबसे ऐसा नाराज होना कि देखो वो तो मुझसे ज्यादा है, ये तो मुझसे ज्यादा है, जेलसी करना लोगों के ऊपर, ग्रीड, जेलसी, ये सब कुछ चीज लोगों को भटका देते हैं, ठीक है, ओके, लोभ, माया, ठीक है, और ये जो मात्सर्य है इन लोगों को बहुत ज्यादा भटक देता है। इंद्रियों में कोई का मतलब इनका नियंत्रण नहीं है। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि भगवान उनको दे तो झोली भर के दे, ढेर सारा पैसा दे, आशीर्वाद दे, उनके लिए बिजनेस में प्रॉफिट, डील्स दे, कॉन्ट्रैक्ट्स दे, सब जैसे उन्हीं के झोली में जाना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है ज़रूर कि जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हैं तो यस यू आर रियली लकी फॉर देम, एंड दैट्स वाई
जो आइडियाज उनके दिमाग पे कभी भी नहीं आया था और आपके रहते हुए आया, एंड दे आर रियली थैंकफुल टू यू, दे वांट टू थैंक यू. ओके, ये हो सकता है कि आपको इस रीडिंग को देखने के बाद 3 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर या 3 हफ्ता भी हो सकता है कि दे कैन ट्राई टू सेंड यू अ मैसेज इफ़ यू आर ब्लॉक्ड, और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप दे कैन टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड है अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर ऐसे ही चाहते हैं कि अगर और 3 महीने के बाद कोई डिवोर्स का जो केस वहाँ पे होता है, राइट, तो ये आपको नहीं देना चाहते, दे डोंट वांट टू लीव यू. बट अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो तो उनको इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते. फिर तो वो आपके सामने झुकी जाएंगे अगर आप नहीं करते हो तो. नाउ लेट मी सी व्हाई देयर इज क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स. यू, फॉर मेनी ऑफ यू, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू आर जस्ट अ परफेक्ट मैच. प्रॉब्लम यही है कि दास्तान यही होता है कि मैच इसलिए नहीं खा रहा है कुछ लोगों के लिए बिकॉज बोथ ऑफ यू आर इन दैट कम्पिटिटिव लेवल. ओके, एंड यू आर कंपेयरिंग ईच अदर. यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स टर्निंग इन. यहाँ पे देखो, चाहे जो भी आप दोनों के खिलाफ में देखो, मेनी पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक, ठीक है, दिस पर्सन फ्रॉम यू, या आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अरे मत कर उससे मत कर. बट आप अपनी अंतरात्मा का भी सुनेंगे और ये भी अपने अंतरात्मा का ही सुनेंगे. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा. यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है, मतलब अंदर तक झांक के देखना. ठीक है, सो आपके पर्सन भी अंदर तक झांक के देख रहे थे, मैंने आपको ये कहा है. आप ही की वजह से ये मजबूर हुए हैं अपने गिरबान पर झांक के देखना, मैंने ये कहा था ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे यही है. व्हाई देयर इज फाइव ऑफ स्टाफ. फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? द फ्लावरिंग. तो यहाँ पे इंसान जो है अपना, मैंने आपको बताया था कि पैसा से बढ़कर और कुछ नहीं, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो ये इंसान ऐसा कोई पैसों के पीछे भाग रहे हैं या भाग रहे थे उस दौरान, और उनकी जो है उनके सामने जो है आपकी खूबसूरती या आपका हुनर या आपका ईमानदारी कोई मैटर नहीं करता था. अंडरस्टूड? एंड दैट्स वाई दे यूज टू फाइट विथ यू अ लॉट. अगर आपका यही कंप्लेन है कि दी ये मेरे साथ हमेशा ही बहुत झगड़ा किया करते थे, अननेसेसरी, रात रात भर आर्गुमेंट्स, ठीक है, सोने के वक्त भी, ये भी वो भी. सो दिस वॉज द रीजन. चर के फलक. दिस इज अ विल ऑफ फॉर्चून. वाई दिस इज अ चर के फलक. स्लोइंग डाउन. जैसे मैंने टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर जल्दबाजी किए तो शायद आप नहीं मानेंगे, या इस रिश्ते पे जल्दबाजी करने से, इवन अगर आप चाहते हैं कि जल्द जल्द सब कुछ सही हो जाए, सेटल हो जाए, सॉर्टेड आउट हो जाए, वो नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा. और उनको ऐसा भी लगता है कि धीरे धीरे से सब बदल जाएगा, क्योंकि किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता है. देखो कितना यहाँ पे सिमिलैरिटीज है, वेरीफाई कितना हो रहा है यहाँ पे. ओके, व्हाई देयर इज द हायरोफेंट कार्ड. यहाँ पे पीर बाबा क्यों है यहाँ पे? व्हाई देयर इज हायरोफेंट एनर्जी. टेन ऑफ वैंड्स. जब ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब ये इनको कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है, जब इनके इस आसपास पूरी तरह से कांटे होते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स होता है, रुकावटें होते हैं, तो ये इंसान भगवान के पास, अल्लाह के पास, जिनके पास भी हो, गॉड के पास चले जाते हैं या दुआ मांगते हैं कि क्या करूं मैं अभी, क्यों ऐसा हो रहा है इनके करंट सिचुएशन में, क्यों ऐसा हो रहा है. व्हाई दिस ब्लैक एनर्जीज आर देयर? बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव क्रिएटेड इट. उन्होंने खुद इनको बुलाया है कि आप पधारो हमारे लाइफ में, अंधेरा आप पधारो हमारे लाइफ में. ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने आपको डिनाई किया था.
अच्छा, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये झोले भर के खुशी आपके लिए मांग रहे हैं या खुद के लिए मांग रहे हैं वो हम देखेंगे। द माइजर, फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है। माइजर इज ऑल्सो सच पर्सन हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग सम बाउंड्री बट हैज लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये इंसान जो है ऑब्सेस्ड है, पोजेस्ड है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में सोच के ही ये इंसान आपको अपने ज़िंदगी में बुलाना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर नॉट ग्रीडी, यू आर नॉट लाइक अनट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, जिनके ऊपर 100% तक यकीन किया जा सकता है। तो आप उनका देखभाल कर सकते हैं, आप उनका ख्याल रख सकते हैं, और आपको उनके, अगर ये रिच भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस पर्सन इज रिच ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू कैन ऑलवेज सेव गार्ड देयर एसेट। ओके सॉरी, व्हाई देयर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, व्हाई देयर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट। जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, हमेशा इंसान एक बार ये सोचेगा वो सोचेगा, दूसरे ही पल आएगा, दो घंटा ये सोच लिया, फिर तीसरे घंटे में उनको लगा कि इस रिलेशनशिप में हम ना रहेंगे तो ही अच्छा है, फिर कुछ घंटे के बाद या एक दिन के बाद उनको लगेगा नहीं नहीं हमें आजमाना चाहिए, तो ऐसे ही होगा। तो फिर तो वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाते थे, राइट। तो इनका सिचुएशन इसी तरह से था, और आज अगर वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो भी अपने ज़िंदगी में सेटल तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्केमिस्ट क्यों है और यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सी थ्री ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स क्यों है, थ्री ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस थ्री ऑफ कॉइन्स। 19 नंबर विच इज़ द सन कार्ड, मैंने आपको ये कहा था कि आप मासूम हैं, आप किसी को भी चोट पहुंचा नहीं सकते, ठीक है। और अगर आपने उनको कुछ कह भी दिया होगा दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, बट अगर ऐसा देखा जाए आपकी जो ईमानदारी है दैट इज दे सैल्यूट टू योर ऑनेस्टी एंड डेफिनेटली योर सिंप्लिसिटी। सो ये इंसान इसीलिए आपके साथ इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, और तीसरा इंसान को अगर थर्ड पार्टी है तो हटाना चाहते हैं। व्हाई देयर इज अ मैजिशियन कार्ड, अल्केमिस्ट यहाँ पे क्यों है। क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको इजीली इम्प्रेस कर लेंगे उनके स्किल से, उनके एटीट्यूड से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। अगर एक न्यू कनेक्शन है या आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हो उनके ऊपर, सो वो आपको मोहित कर ही लेंगे, आप मना ही नहीं कर पाएंगे, आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ऐसा वर्ड्स या स्टेटमेंट्स थ्रो करेंगे। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर या उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, लाइक दे आर ऑलवेज टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स, वो बनाने में यकीन रखते हैं, बिगाड़ने में नहीं, वो संभालने में यकीन रखते हैं, बिगाड़ने में नहीं, वो ऑब्वियसली सबको समेट लेना चाहते हैं एंड डेफिनेटली नॉट सेपरेट। सो यहाँ पे ये इंसान एक कनेक्शन में ऐसा आना चाहते हैं जहाँ पे स्थाई हो, मतलब स्टेबल हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैसेजेस, हम मैसेजेस को चेक करेंगे। पर्सनल मैसेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर मैंने फिर से बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो देख लेते हैं। लेट मी सी, The day I met you, all my dreams came true. The wind felt softer and the sun shone brighter. मैंने आपको ये कहा था कि जिस दिन वो आपको मिले होंगे या जिस दिन से मिले होंगे उनके लाइफ में
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे सपने उनका पूरा हुआ है, शायद आप नहीं जानते हैं। और डेफिनेटली उनके लिए अभी क्या है, हवा और भी सादगी है यहाँ पे, और सूरज और भी उनकी ज़िंदगी में उजाला कर रहे हैं। बट ड्यू टू यू आई कॉन्ट प्लेस एनी वन अबव यू, बट आई कैन प्लेस माई सेल्फ अबव यू, नॉट टू बी अ मास्टर बट टू बी योर शील्ड फॉर प्रोटेक्टिंग यू। वो किसी को भी आपके ऊपर नहीं रख सकते हैं, सिर्फ अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि एज अ मास्टर मतलब एज आपको डोमिनेट करने के लिए नहीं, बट आपका प्रोटेक्शन जो है ना, सुरक्षा कवच बनने के लिए। माई नीज आर वीकनिंग डे बाई डे बिकॉज आई एम फॉलिंग फॉर यू। ये दिन ब दिन आपके लिए मतलब उनका जो है दिल जो है बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है, और कहीं ना कहीं पे उनके घुटने जो है बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि वो आपके सामने मतलब गिड़गिड़ाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं पे दिस इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट कि दे आर फॉलिंग फॉर योर लव, यू आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनके जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। इन योर आईज आई सी अ फ्यूचर फिल्ड विद लव लाफ्टर एंड अ लाइफ टाइम ऑफ चेरिश्ड मोमेंट्स। आपके आंखों के अंदर वो उनको प्यार दिखता है, खुशी दिखता है, और बहुत ज़्यादा हंसी भी उनको महसूस होता है ड्यू टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, लव योर लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड